हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बताऊंगा कि जो बलून गेट कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था गाइस, और काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि सर आप हमें बलून गेट के बारे में बताइए कि कैसे स्प्रिंग बनता है, क्योंकि हमारे से परफेक्ट स्प्रिंग नहीं बन पाता। तो गाइस, मैं इसीलिए ये वीडियो लाया हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि बलून गेट बनाने के लिए सबसे पहले बलून को फुलाना जानना चाहिए, उससे पहले उसे मशीन को ऑपरेट करना जानना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो आर्टिस्ट है वो बलून फुला कर रेडी हैं, और इसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया है कि बलून को कितने साइज में फुलाना चाहिए और बलून मशीन को कैसे ऑपरेट करना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो बलून का गेट है वो वाइट और ब्लू कलर का है गाइस, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो वाइट कलर और ब्लू कलर को फेवरेट मानते हैं। तो आप भी इसी तरीके से जिस कलर का भी आप बलून गेट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, वाइट ब्लू कलर का बलून फुल कर रेडी है। तो देखिए गाइस, ये हमारे अभी से पेयर बनाते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, ये दो दो करके यानी चार पेयर, ये हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी कितने अच्छे तरीके से गाइस बलून को रोल कर ले रहे हैं। इसी तरीके से गाइस, ये बुके बनाते हुए इसके बाद हम इसको सेट करेंगे। तो ये देखिए, हमारे जो छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं वो कितने प्रॉपर तरीके से, एक बच्चा भी गाइस चाहे तो इस बलून गेट को बना सकता है। लेकिन गाइस, ये जो सोच होनी चाहिए कि हमें सीखना है, तो इस वीडियो के द्वारा गाइस आप सीख सकते हैं बलून गेट के बनाने के लिए। और गाइस, बलून गेट के लिए बनाने से पहले सबसे बड़ी बात होती है कि एक स्टैंडर्ड बलून बनाने के लिए लगभग लगभग 200 बलून की ज़रूरत होती है गाइस। जी हाँ गाइस, 200 बलून कोई भी स्टैंडर्ड गेट बनाने के लिए 200 बलून की ज़रूरत होती है। तो देखिए गाइस, हमारे आर्टिस्ट जो हैं कितने प्रॉपर तरीके से, देखिए गाइस, ये दो स्प्रिंग है, ये वाइट और ब्लू का स्प्रिंग बनेगा। तो देखिए हमारे गाइस चार बलून को एक बंच के द्वारा कितने प्रॉपर तरीके से बलून को बना रहे हैं। ये गाइस जो बलून बना रहा है वो एक लगभग 10 से 14 साल का एक बच्चा है जो ये बलून किट बना रहा है, और ये हमारा प्रॉपर आर्टिस्ट है। तो ये देखिए गाइस, इस तरह मत कीजिएगा गाइस। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ कि इस तरह स्प्रिंग नहीं बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जो बलून डाले उसके जस्ट बगल में जो कलर का बलून हो, यानी ब्लू के जब डाले उसके जस्ट बगल में ब्लू डालना चाहिए। इसी तरह देखिए गाइस, स्प्रिंग बनेगा, नहीं तो जो स्प्रिंग बनेगा वो गलत हो सकता है। ये देखिए, हमारे आर्टिस्ट दिखा रहे हैं, ये कट आउट यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, बेस से कटा हुआ होना चाहिए, यानी एक बलून, एक वाइट, एक ब्लू, एक वाइट, इसी तरह गाइस। और हाँ गाइस, इसके बनाने के लिए इसका जो धकेलना चाहिए गाइस, इसको धकेलते हुए रहना चाहिए ताकि ये टाइटली बने, नहीं तो ये राउंड नहीं हो पाएगा गाइस, राउंड नहीं हो पाएगा। कुछ बातें जो होती है जो ज़रूरी होती हैं गाइस, मैं इस वीडियो में बताता रहता हूँ। बलून बनाने के लिए 200 बलून की ज़रूरत होती है, 100 ब्लू, 100 वाइट, या फिर 100 वाइट, 100 रेड, जो भी कलर करवाना चाहते हैं। तो ये देखिए गाइस, लगभग बलून बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए गाइस, ये बलून बनकर रेडी हो गया है गाइस, कितना परफेक्ट स्प्रिंग बना है गाइस। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। थैंक यू।